ये तो आप बड़ी अंदर की खबर है, बड़े खतरनाक सूत्र हैं आपके, बड़े जबरदस्त सूत्र हैं। ये तो आप बड़ी अंदर की खबर है, बड़े खतरनाक सूत्र हैं आपके, बड़े जबरदस्त सूत्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर और पूरे भारत देश में जो है वो बिगुल कुछ ही दिनों में बजने वाला है, जिसमें ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट जो है अलग अलग राज्यों से, या जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन कैंडिडेट किस किस पार्टी का लोकसभा चुनाव में अखाड़े में उतरेगा। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल देर रात केंद्र में मीटिंग जो है चुनावों को लेकर चल रही थी, जिसमें अध्यक्षता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हो रही थी, जो देर रात 3 बजे तक चली, जिसमें जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे उसमें। और अब सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है कि लोकसभा चुनावों में जो कैंडिडेट होंगे वो रिपीट हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, मगर हम इसकी स्पष्ट नहीं करते इस चीज को। मगर आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा शायद से रिपीट हो सकते हैं एमपी कैंडिडेट, ये आपको बता दें। और हमने बातचीत की जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने इस रिपीट कैंडिडेट्स को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। सर, एक सवाल सर, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी को जो है वो एमपी लोकसभा इलेक्शन में जो है एज ए एमपी वापस उनको रिपीट किया जाएगा, उसमें उस पर क्या? ये तो आप बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, बड़े खतरनाक सूत्र हैं आपके, बड़े जबरदस्त सूत्र हैं। सर, सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो आप बस एक दो दिन में खुद सच्चाई आपको जो भी होगा वो पता लगेगा। ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है, ये इस पर हमें कुछ बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, ये पार्टी के, ये हमारी एक सिस्टम होता है, इसका निर्णय हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, जो निर्णय करेंगे पार्टी को मंजूर हो। नहीं, मेरे हमारे सामने तो कोई ऐसी कुछ बात आई नहीं। नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। देखो, नए भी अच्छे हैं, पुराने उनसे भी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक महारथी ही हैं। मोदी जी आ रहे हैं अगले महीने, इसी महीने आ रहे, कश्मीर जा रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 7 मार्च को वादी कश्मीर में पहुंच रहे हैं और एक जबरदस्त रैली, जबरदस्त वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का होने वाला है। अलजी साहब ने कहा कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाएंगे। बीजेपी तैयार है पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली इलेक्शन। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपको सुनाया क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने, जो सूत्रों के हवालों से खबर आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा रिपीट हो सकते हैं एमपी कैंडिडेट लोकसभा चुनावों को लेकर। अब आपने ये खबर देखी, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारेलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।